Hey, what's up guys, welcome back to my channel Unbox It. So today I have a protein order from Nutrabay. So let's check the quality of the protein and the authenticity of the website. So let's unbox it. So guys, पहले packaging देख लेते हैं, outer packaging कैसी है. तो फिर इसमें Nutrabay की tape है and packaging is just fine. Tempered ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत shipping में हो जाती है, बट ठीक है. एंड इसमें स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है कि खोलने से पहले हमें अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज इन्होंने बोला कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में दिक्कत आएगी और आपके पास वीडियो होगी अनबॉक्सिंग की, तो वो फर्दर प्रोसेस करेंगे कि आपकी गलती नहीं है और वेबसाइट की तरफ से कुछ गलत आया है. तो अगर आप कभी भी Nutrabay से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो ये मेरा एक सजेशन है, और वेबसाइट भी ये खुद बोलती है कि आपको एक बारी इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए जब आपके पास ये आता है. और इससे आपको एक और फ़ायदा होगा, अगर आप इसे अपलोड करते हैं YouTube, Facebook एंड ऑल पे, तो आपको 500 रुपीज़ डिस्काउंट आपके नेक्स्ट ऑर्डर पे मिलेगा. तो इन्होंने इसकी डिटेल्स दी है, मैं आपको इसकी डिटेल्स अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए बॉक्स को खोलते हैं. तो एज यूजल हमारे पास एक इनवॉइस है, और इसमें हमें सबसे ज़रूरी बात है वो है इनका ऑथेंटिसिटी का एक Nutrabay का स्टिकर लगा है, जो आपका QR कोड के साथ है. तो इससे एक चीज़ तो लग रहा है कि प्रोटीन शायद 99% चांसेस है कि फेक ना हो, बट इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो है नियर अबाउट 4,079 रुपीज़. और इसमें हमें अंदर एक बेस्ट विशेज फ्रॉम Nutrabay.com टीम ऑन योर फिटनेस जर्नी. तो उन्होंने स्टे कनेक्टेड के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का. तो आप जो वीडियो डालेंगे तो आपको इनको टैग करना पड़ेगा, ताकि इनको पता लगे कि आपने इनके प्रोडक्ट की वीडियो डाली है. तो गाइस, अब मेन जो चीज़ है उसे अनबॉक्स करते हैं. पैकिंग इनकी बहुत अच्छी है, एंड एक चीज़ अगर आपको ये दिख रही होगी, तो जो बॉक्स है, जो बाहर का बॉक्स है, वो बहुत ज़्यादा न्यू है. मींस इससे पता लग रहा है कि ये कोई रीयूज बॉक्स नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि पुराना बॉक्स यूज़ करके, जो एक ओरिजिनल जेन्युइन पुराना बॉक्स है, उसे यूज़ करके उसमें डुप्लीकेट प्रोटीन डाल के आगे बेचते हैं. बट बॉक्स की क्वालिटी देख के लग रहा है कि ये एकदम न्यू है, कोई भी स्क्रैचेस नहीं है इस पर, तो ये ठीक है. सो गाइस, जो पहली चीज़ आपको चेक करनी है वो है इसका ऑफिशियल इम्पोर्टर. जैसे ब्राइट कॉमोडिटी करके हैं और सारे इम्पोर्टर्स हैं, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि इसका ऑफिशियल इम्पोर्टर कौन है. तो दो तीन होते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको लेटेस्ट लिस्ट निकालनी पड़ेगी. तो जैसे मेरा SSIC से आया है, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट न्यूट्रिशन कॉर्पोरेशन से, तो इससे मुझे पता लगता है कि एक ये ऑफिशियल ऑथेंटिक इसका जो है इम्पोर्टर है, तो ये जेन्युइन हो सकता है. दूसरी बात जो आपको चेक करनी है वो आपकी सील जो इसमें लगी है, ये टूटी हुई तो नहीं है कहीं से. तो अगर आप देख सकते हैं कि एकदम ठीक है और टूटी हुई नहीं है, और टाइट भी है, लूज़ भी हो सकती है, बट टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो मेन बात है. तो अब अगर मैं सील खोलता हूँ, तो अब इसको खोल के देखते हैं. तो एक चीज़ जो आपने ऊपर वाले उसमें चेक करनी है लिड में, वो है कि इसमें आपको डॉट्स होने चाहिए, 3, 4 या 5 जैसे इसमें ये डॉट्स आपके होने चाहिए, ये ऑथेंटिक उसमें डॉट्स होते हैं. दूसरी बात, इसमें भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं, अगर मैं क्लोजअप लूँ तो इसमें भी आपके डॉट्स साथ में होने चाहिए. और एक और चीज़, ये तो सबको पता ही होती है वैसे, ये सील आपकी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए. हाँ, जैसे ऑन का प्रोटीन है, उसकी कई बार टूटी हुई सील होती है, तो इतनी डरने की भी बात नहीं है इसमें, बट जो मेन चीज़ है वो ना टूटी हो तो ज़्यादा बेटर है. पर शिपिंग के टाइम कई बार ये खुल जाती है, तो इतनी डरने की बात नहीं है. और एक चीज़ जो आपको चेक करनी है, अगर आपका फेक बॉक्स होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम ये चांसेस होते हैं कि जो आपकी स्पेलिंग्स है वो गलत हो सकती है. जैसे अल्टीमेट न्यूट्रिशन, वे, प्रोस्टार, ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स बेशक सही हो, बट कई बार छोटी स्पेलिंग्स जो यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स लिखी होती है वो गलत हो सकती है. तो मैंने इसकी चेक कर ली है, इसमें स्पेलिंग सारी सही है. तो ये भी एक चांसेस हो सकता है कि वो फेक है, बिकॉज वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं बॉक्स पे, क्योंकि उनको पता होता है कि कस्टमर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा बॉक्स पे. एक लास्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो है आपका लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट, क्योंकि ये 4,000 रुपीज़ का पड़ा है और वेबसाइट से बहुत सस्ता था. तो ऐसा हो सकता था कि इसकी शेल्फ लाइफ कम हो, मतलब कि ये एक्सपायर जल्दी होने वाला हो, बट ऐसा है कि ये 4/18 को बना है, तो लेटेस्ट ही है, और 4/21 तक चलेगा. तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत है, मतलब ये बहुत चलेगा. और दूसरी आपको चेक करना है इसका लॉट नंबर, तो इसमें लॉट नंबर भी है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है कि ये है कि नहीं है. और ये थोड़े
उठे हुए कंपनी के मार्क्स हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा है कि नहीं है। तो ये तो गाइस बॉक्स का था, अब इसकी सील खोल के प्रोटीन चेक करते हैं कि वो कैसा है। तो आपको जैसे दिख रहा है, ये मैंने कोको मोका फ्लेवर मंगवाया है। तो इस कोको मोका फ्लेवर को पहले आप देखिए, प्रोटीन को अंदर से ढंग से देखिए कि वो फाइन है कि नहीं है, क्योंकि जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो मैक्सिमम टाइम फाइन होता है, और ये फाइन है, थोड़े थोड़े लम्स हैं बट ये वैसे भी बन जाते हैं, पर वैसे ये फाइन है। दूसरी चीज़ जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट ढूंढनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोटीन में स्कूप आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कौन से वाला आता है। जैसे वे गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड कलर का एक स्कूप आता है और इसमें ट्रांसपेरेंट कलर का, तो स्कूप ढूंढते हैं और तब देखते हैं कि प्रोटीन कैसा है। तो गाइस जैसे ये मेरा स्कूप है, तो आप एक बार थॉरली चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिल्कुल बॉटम में होता है और हमें लगता है कि इसमें स्कूप इन्होंने नहीं दिया है, पर आपको एक बार ढंग से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत नए प्रोटीन की यही होती है कि उसमें स्कूप ढूंढने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं इसकी ऑथेंटिसिटी बताऊँ आपको कि कैसे पता लगती है, तो इसमें लिखा होता है नेशनल मेजर्स, तो ये एक स्कूप की ऑथेंटिसिटी है। इसमें ऐसे लिखा होगा और इधर एक नंबर लिखा होगा, जैसे आपको अगर दिख रहा होगा इधर एक नंबर होगा लिखा हुआ, तो ये है स्कूप की ऑथेंटिसिटी। जैसे आपका गोल्ड स्टैंडर्ड का स्कूप ऐसा होता है गोल्ड कलर का, और इसमें ऑन लिखा होता है और अंदर इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो फेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इतनी ध्यान नहीं देते हैं इतनी डिटेल्स पे, तो आपको ये चीज़ अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप चीट हो पाओगे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार ही पहले ढंग से स्कूप ढूंढ लीजिए और फिर स्कूप चेक कीजिए। अब सर आप प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन अब मैंने जैसे टेस्ट किया, तो ये जो पाउडर है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पाउडर है, मतलब लम्ब्स नहीं बन रहे हैं, एकदम फाइन है और एकदम ठीक है। तो अब इसको एक बारी पानी में डाल के देखते हैं कि इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है, मतलब कि जब आप इसको पानी में मिक्स करोगे तो क्या ये पूरा मिक्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और इसमें कुछ लम्ब्स तो नहीं रह रहे। तो लेट्स चेक इट अप। तो गाइस मैं एक पूरा स्कूप यूज़ करके देखूँगा, तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन काफ़ी फाइन है जैसा होना चाहिए, और इसमें अब मैं पानी डाल के चेक करूँगा। तो मैंने पानी भी एकदम एग्जैक्ट डाला है जितना चाहिए होता है इसके लिए, 8 ounces। तो फिर इसको शेक करके देखते हैं कि कैसा ये काम करेगा। वैसे इतना काफ़ी होना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा और करके देख लेता हूँ, क्योंकि जेन्युइन प्रोटीन को शेक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप देख सकते हैं ये पूरा शेक हो गया है, मैं आपको एक ग्लास में निकाल के दिखाता हूँ, आप अगर चेक कर सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं है और ये बिल्कुल प्लेन बन गया है, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें पहले पाउडर था भी, एकदम प्लेन एक सिंपल प्रोडक्ट बन गया है। तो आपका जेन्युइन प्रोटीन ऐसा ही बनना चाहिए, नहीं तो जो जेन्युइन नहीं होता है उसमें थोड़े थोड़े लम्ब्स दिख जाते हैं और वो इतना प्रॉपर मिक्स नहीं होता है, और कलर भी इनका एकदम स्टैंडर्ड ही रहेगा हर बार, आप कोई भी सेम फ्लेवर का मंगवाएंगे उसका कलर हमेशा ऐसा ही आएगा। तो इसको एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ, बिकॉज ये फ्लेवर मेरे लिए नया है, कोको मोका फ्लेवर मैंने पहली बार मंगवाया है, तो लेट मी टेस्ट इट। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है एंड आप ये वाला फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम इसका हाई सेलिंग फ्लेवर होता है वो चोको क्रीम होता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये वाला फ्लेवर भी अच्छा है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी ही और कोई वीडियोस चाहिए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में बताइए कि आप कौन सी वीडियो नेक्स्ट देखना चाहेंगे। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक दे दीजिए। Thank you. Thanks for watching.